हैदराबाद में एक बहुत ही प्रसिद्ध संत महात्मा रहते थे, जिनके पास बहुत सारे शिष्य उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते। के पास आया और उनसे निवेदन किया कि गुरुजी, मेरे दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है और वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इजाजत देंगे? गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल शिष्य, पूछो क्या पूछना चाहते हो, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। तब उस शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जीवन के असली गुरु कौन है, जिनसे आपने असली शिक्षा आपने ग्रहण किया है। तब गुरु ने अपने शिष्य को समझाते हुए बोला कि शिष्य, मेरे जीवन में हजारों गुरु थे और अगर मैं एक एक करके उनका नाम गिनाना बैठ जाऊं तो शायद महीनों बीत जाएंगे, उसके बावजूद भी मेरे गुरुओं का नाम समाप्त नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हें अपने जीवन में जो मेरे तीन प्रमुख गुरु थे उनके बारे में अवश्य बताऊंगा, जिनमें से एक था, एक चोर था। एक बार मैं एक रास्ता भटक गया और काफी देर हो गई, रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। तब मुझे एक गांव में एक व्यक्ति दिखा और मैंने उससे पूछा कि मुझे ठहरने के लिए, मेरे आश्रय के लिए कोई स्थान मिलेगा क्या? तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे व्यक्ति, आप इतनी रात को इधर उधर घूम रहे हैं और आपको कहीं भी सहारा नहीं मिलेगा। मैं एक चोर हूँ, अगर आपको इस चोर के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं तो आप मेरे घर में ठहर सकते हैं। और वो मुझे अपने घर ले गया। वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, वह हर रोज अपने काम पर जाता और यह बोलकर जाता कि आप आराम करो, आप प्रार्थना करो, मैं अपने काम से जा रहा हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। और जब वह सवेरे सवेरे लौट कर वापस आता और मैं उससे पूछता कि आज तुम्हें क्या मिला, तो वह कुछ भी नहीं पाता था, फिर भी इसके बावजूद वो बोलता था कि आज मुझे कुछ नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है भगवान मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं व्यवस्था मेरी कर देगा और मुझे अच्छा मिलेगा। उसके इस जवाब से मैं थोड़ा सा अंदर से सोच में पड़ जाता कि आखिर ये इतने उम्मीद के साथ चोरी करने जाता है, खाली हाथ लौटता है, उसके बावजूद भी ये निराश नहीं होता है। मेरे जीवन में मैं उसके साथ एक महीने रुक गया और उससे काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि मेरे जीवन में भी कई सारे ऐसे दिन आते थे, मैं अपनी जितनी भी तपस्या है उससे मैं काफी परेशान हो जाता था कभी कभी, और मुझे लगता था कि मैं सब साधना वाधना छोड़ के इस तपस्या, इस साधु संत से मुक्त हो जाऊं। लेकिन मुझे उस चोर की बात याद आती कि किसी न किसी दिन मुझे मेरा भगवान मेरी मदद जरूर करेगा, और इसी वजह से मैं साधु महात्मा बना रहा, अपनी तपस्या, अपनी पूजा अर्चना करता रहा, भगवान का गुणगान गाता रहा, भक्ति करता रहा। मेरा दूसरा गुरु जो था, एक कुत्ता था। एक बार मैं एक गांव में ठहरा हुआ था, गर्मी का दिन था, काफी प्यास लगी हुई थी और पानी कहीं भी नहीं मिल रहा था और मैं पानी के लिए भटक रहा था। तब ये कुत्ता भी बहुत प्यासा था, वो भी भटक रहा था, वो दौड़ता दौड़ता मेरे पास आया और पास में ही एक नदी थी, वह नदी के पास गया और नदी में उसने जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर आगे किया, उसने देखा कि उसी की परछाई उस पानी में बन रही है और वह अचानक डर गया और डर के मारे पीछे हट गया। उसे प्यास बहुत लगी थी मगर वह डर रहा था कि उसे लग रहा था कि पानी में एक और कुत्ता है जो मुझे काट लेगा या मेरे से लड़ाई करेगा। उसने कई बार ये कोशिश की, बार बार पीछे हट जाता। अंततः उसका जब प्यास ज्यादा बढ़ चुकी थी, वह अपनी छलांग उस पानी में मार दी और पानी हिलने की वजह से उसकी परछाई गायब हो चुकी थी। उस दिन मुझे सबसे बड़ी सीख मिली कि वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है जो अपने डर का मुकाबला हिम्मत से करता है। मेरा तीसरा गुरु एक छोटा सा बच्चा था। उस समय मैं काफी ज्ञान अर्जित कर चुका था और एक गांव के पास से गुजर रहा था। मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में मोमबत्ती जलाए हुए चर्च की ओर दौड़ा जा रहा था। मैंने उस बच्चे को रोका और उसे पूछा कि क्या तुमने यह मोमबत्ती जलाई है? उस बच्चे ने कहा, जी हाँ, मैंने ही इस मोमबत्ती को जलाई है। तब मैंने उस बच्चे से सवाल किया, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि जब एक क्षण यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और अब यह क्षण है जब मोमबत्ती जली हुई है, वो जो प्रकाश इसमें आया है, वह जो ज्योति जल रही है, वह कहाँ से आया है? मैंने उस बच्चे से पूछा था। तब उस बच्चे ने मुस्कुराया और उस मोमबत्ती को फूंक मारते हुए बुझा दिया और बुझाते हुए फिर मेरे से उसने सवाल किया कि आपके सामने यह मोमबत्ती जली हुई थी और अब यह मोमबत्ती बुझ गई है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह ज्योति, वह जो प्रकाश था, वह कहाँ चला गया? तब उस वक्त मेरा जितना भी ज्ञान था रखा का रखा रह गया और मैं अपने ज्ञान के अहंकार से चूर चूर हो गया। तब मैंने जीवन में वो सीख ली कि इंसान को कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। हर वक्त, हर एक दिन इंसान को जीवन में एक गुरु अवश्य मिलता है जो उसे सीख प्रदान करने की कोशिश करता है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें हमारे जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि इंसान को कभी भी, किसी भी वक्त अगर अच्छा ज्ञान मिलता है उसे अर्जित करना चाहिए, कभी भी ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए और हर वक्त हर एक इंसान से, इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, जिस प्रकार
प्रकार से वह चोर था, उसने भी अपने जीवन में जिस प्रकार से लोगों को सीख दिया कौन व्यक्ति कितना बुरा है, अगर उसके अंदर कुछ अच्छाई है उसे जरूर ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी ऐसे भी मोटिवेशनल कहानियां और भी देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पर। और एक बात और, आप कौन से शहर से हमारी ये कहानी देख रहे हैं, इस वीडियो के